बता दें ये दो नाम जिनमें ज्ञानेश कुमार हैं और सुखबीर सिंह संधू हैं, इन्हें नया इलेक्शन कमिश्नर चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की थी एक बैठक की, उसके बाद ही इन दोनों के नामों पर मोहर लग गई है। ज्ञानेश कुमार आपको बता दें, उनके अलावा एस एस संधू नए इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। पीएम ने अध्यक्षता की थी एक बैठक की और उसके बाद इनके दोनों के नाम सामने आए हैं। 1988 बैच के केरल काडर के आईएएस अधिकारी हैं। ज्ञानेश कुमार का अगर हम जिक्र करें, गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी कश्मीर डिवीजन भी रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में ही जेएनके से धारा 370 हटाई गई। सहकारिता मंत्रालय के गठन में भी इनकी अहम भूमिका रही है, ये हम बता रहे हैं। सुखबीर संधू के बारे में, 1988 बैच के उत्तराखंड काडर के आईएएस अधिकारी हैं। राज्यों के साथ साथ केंद्र में भी अलग अलग पदों पर इन्होंने काम किया है। उत्तराखंड पंजाब सीएम के चीफ सेक्रेटरी भी, यानी दो दो सीएम के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद पर भी रह चुके हैं। तो अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग की नई टीम, राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अब उनके साथ सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार की भी नियुक्ति हो गई है। यानी अब ये टीम एक तरह से पूरी हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथ दो और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। यानी अब ये चुनाव आयोग की टीम की एक नई शक्ल जो है वो सामने आई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई जिसमें इन दोनों के नाम पर मोहर लग गई है। और मॉर्निंग प्राइम में अगली बड़ी खबर सीए पर। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले पर पूरी तरह से चुप है। वहीं उन्होंने कहा कि सीए के मुद्दे पर हम ना झुकेंगे ना ही चुप रहेंगे। तो कांग्रेस से सीए के मुद्दे पर भागने का आरोप पिनराई विजयन, जो कि केरल के सीएम है, उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, मल्लिकार्जुन खड़गे पर सीधे सीधे उन्होंने हमला किया है, वो पूरी तरह से खामोश है, चुप है। और उन्होंने कहा कि सीए के मुद्दे पर हम झुकेंगे नहीं और ना ही चुप रहेंगे। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए का विरोध करने वालों पर जमकर हमला बोला है। साथ ही साथ अमित शाह ने विपक्ष पर सीए को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया और उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी हाल में अब सीए वापस नहीं होगा। यह उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है। एंटी मुस्लिम कैसे है कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो मुसलमान और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना, कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। सीए का कानून